हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम दानांग सिटी में हैं, तो गुड मॉर्निंग सबको। आज दानांग का बीच साइड हम लोग चलेंगे। ये हमारा पीछे हमारा होटल, होटल से हम जस्ट निकले हैं, अभी बीच साइड की तरफ चलेंगे। हमारा होटल बीच से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये हमारा होटल देखिए। यहाँ से बीच सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। तो अभी हम सुबह सुबह बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह है और बीच कैसा दिखता है हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम बीच की तरफ चलते हैं। ये दानांग सिटी जो है ना, एक प्लान सिटी है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब रोड्स वगैरह आपको हैनोई या होचीमिन की तरह नैरो रोड नहीं मिलेंगे, यहाँ स्पेशियस रोड वगैरह आपको मिलेंगे। और जो कि एक नया शहर है, सब कुछ यहाँ प्लान से बना हुआ है। और ये दानांग में आपको जब भी आओ, यहाँ 2-3 दिन रखो, चाहे दानांग में करने का एक्टिविटीज बहुत कुछ है। फ्रेंड, तो सामने दानांग बीच है। अभी हम बीच साइड में जो रोड है मरीन ड्राइव की तरह, अभी वो रोड पे हम खड़े हैं। अभी हम रोड क्रॉस करके चलेंगे बीच की तरफ। इधर का भी थोड़ा नज़ारा आप देखिए। ये मरीन ड्राइव का तरह जो रोड बना हुआ है, इसमें आपको साइड में जितने भी मिलेंगे सब होटल्स भी है। यहाँ होटल्स बहुत सारे हैं। अभी ये मतलब वियतनाम का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है अभी दानांग। यहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है, फेमस लाइक पटाया। दानांग सिटी का एक खूबी क्या है, यह समंदर भी है, आपका हिल्स भी है। आप हिल्स जाओगे तो वहाँ आपको ठंडी मिलेंगी और यहाँ आपका समंदर का, आप सी बीच का भी मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे आप नहाने के बाद शावर ले सकते हो, शावर लेने का भी व्यवस्था है यहाँ। अभी हम आए हैं एकदम सुबह सुबह, जो कि अभी यहाँ लोकल टाइम अराउंड 9 बजे हुए हैं। तो इस टाइम में थोड़ा यहाँ खाली खाली है, लेकिन थोड़ा देर में ये पूरा एकदम खचाखच भर जाएंगे। यहाँ पे रात में पार्टीज वगैरह होता रहता है। ये दानांग बीच आपको पटाया का बहुत याद दिलाएगा, सेम एज लाइक पटाया है, लेकिन पटाया का बीच से ये थोड़ा वाइड है। पटाया का बीच तो एकदम आपका पानी जो है एकदम किनारा तक चला आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा वाइड है। हमने कल रात को भी देखा था, तो यहाँ मतलब पानी थोड़ा दूरी रहता है। अभी नो स्विमिंग अलर्ट है, इसीलिए थोड़ा आदमी भी यहाँ कम है। सामने देखिए माउंटेन्स, माउंटेन्स के साथ ही समंदर। यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह में ठंडा भी बहुत है। कल हम गए थे बाना हिल, देखे होंगे उसका वीडियो भी, उसमें ठंड बहुत है। और अभी यहाँ थोड़ा रेनी सीजन टाइप का भी है, मतलब यहाँ थोड़ा ठंडी का बारिश भी होता है। आपको बीच साइड में कोई ठंडा नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल ही है।
फ्रेंड्स, दानांग का जो ये बीच है बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन बनाया गया है। खास करके यहाँ का बीच का जो साइडेज वगैरह है, ये आप देख सकते हैं, रोड से जो वॉकिंग के लिए जो स्ट्रीट वगैरह बनाया गया है बहुत ही वाइड है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन है। जैसे पटाया से भी, पटाया का तो नैरो टाइप का स्ट्रीट है जो कि वॉकिंग के लिए, लेकिन इसमें बहुत ही वाइड एकदम बड़ा स्ट्रीट बनाया हुआ है और उसी का साथ आपका जो बीच रोड है, बीच रोड जाते हुए यहाँ बीच पे कुछ चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ वगैरह भी है। आप फैमिली के साथ आए तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली इतना सुबह तो स्विमिंग के लिए भीड़ थोड़ा कम ही होता है। एक्चुअली मेरा आज फ्लाइट है हो ची मिन्ह के लिए, इसीलिए मैं सुबह सुबह आ गया। मेरे को थोड़ा देरी से आने से यहाँ बहुत ही अच्छा एम्बियंस मिलता है और बहुत सारा टूरिस्ट भी देखने को मिलते हैं। अभी बहुत ही कम है, एकदम सुबह सुबह है ना, इसलिए यहाँ थोड़ा दूर दूर तक, मतलब थोड़ा यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, थोड़ा दूर में और एक पॉइंट बना हुआ है जो कि आप बीच में नहाने के बाद आपको शावर चाहिए तो शावर वगैरह का भी पूरा व्यवस्था है, और आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सबका यह व्यवस्था। यहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे आप जेट स्की, बनाना राइड्स ये सब कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ भी है। ये जो हमारे पीछे जो समंदर है ये साउथ चाइना सी है, जो कि वियतनाम का एकदम नॉर्थ से साउथ तक ये साउथ चाइना सी से कनेक्ट है। तो वियतनाम में तो बीचेस बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है आपका दानांग। यहाँ पे हम अभी एक बाइक टूर लेंगे जो कि ग्राफ का थ्रू है, वो ग्राफ का ड्राइवर आएगा, उसके पीछे हम बैठेंगे, ऐसे ही हम लेंगे। यहाँ सेल्फ बाइक का भी मिलता है, लेकिन उसमें हम कैमरा पकड़ने में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए अभी ग्राफ मैंने बुकिंग किया है, उसके थ्रू हम लोग जाएंगे। तो चलिए एक बाइक राइड लेते हैं दानांग सिटी का। ग्राफ में बैठ चुके हैं, अभी सिटी टूर लेंगे हम। सागर ब्रिज से हम लोग गुजरेंगे, तो आप लोग देखते रहिए।
भाई ये ग्रैब वाले बहुत ही फास्ट चलाते हैं, बहुत ही फास्ट। हाँ ग्रैब वाले, तो थोड़ा जब भी आप बैठिए थोड़ा पकड़ के बैठिए, थोड़ा एहतियात रखिए, ये चलाते बहुत ही रफ चलाते हैं। ये भाई आ गया अपना होटल। ये ग्रैब ड्राइवर बहुत ही रफ चलाते हैं, तो आप जब भी आए तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो आप लोगों को ये हमारा बाइक राइड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी भी हम वियतनाम में ही हैं, तब तक के लिए बाय बाय।